1, 2, 3, मॉर्निंग द 19th January। तो आज मैं उठ गया था 7 बजे, रात को 1:30 बजे सोए थे। कच्ची पक्की नींद आई, बॉडी में बहुत पेन है गाड़ी चला चला के। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ, गाड़ी बहुत गंदी हो रही है, सोच रहा हूँ गाड़ी वॉश करा और खा भी लूँगा भारी बढ़िया सा, कोई ब्रेकफास्ट होगा तो कहीं पे। ठीक है आए, और सुबह सुबह तो अच्छा है यार, ठंडा ठंडा सा है। 8 बजे, थोड़ी देर के बाद गर्मी हो जाएगी। वैसे तो गाड़ी दिख तो साफ ही रही है, मगर अंदर बैठने में मिट्टी विट्टी हो रखी है, टायर भी गंदे हो रखे हैं। वाइट गाड़ी में पता नहीं चलता, मगर रेत लगा हुआ है, पूरा लाल हो रखा है। ये देखो, सुबह सुबह एकदम रोड खाली है, और इतनी भी सुबह नहीं है, 8:30 बजे है। मैप लगा लिया, 4 मिनट दूर है जो कार वॉश है। और थोड़ा मैं सोच रहा हूँ सलून वगैरह भी चला जाए, थोड़ी बियर्ड वगैरह सेट करा ली जाए, बस कार वॉश खुला मिल जाए। ये कार वॉश मिला है, खुला तो हुआ है, देखते हैं क्या कह रहा है भाई। हाँ भैया, धोएगा गाड़ी अंदर बाहर से पूरा अच्छे से? कितना पैसा लेगा? 600 कहाँ लगाऊ गाड़ी? चलो भाई गाड़ी पार्क करते हैं, 600 रुपये में बात हो गई है। और धनंजय एंड कार्तिक वो गाड़ी वॉश कराने गए थे कहीं पे, और वो 600 रुपये में सिर्फ बाहर बाहर से कह रहे थे कि गाड़ी वॉश करी है, ये अंदर बाहर 600 रुपये में, और अलॉय वाला सब चेक करेंगे। पानी का बॉटल्स? हाँ बाहर फेंक दो, खाली पानी का बॉटल जो भी मुझे। पूरा मिट्टी निकाल दिया भाई, ये पता नहीं क्या स्प्रे कर रहे हैं भाई, साबुन लग रहा है मेरे को। ये साबुन है, इसमें साबुन है, ये साबुन क्या है? ये टायर के लिए, क्लीन के लिए, टायर क्लीनिंग के लिए है भाई। ये बढ़िया लग रहा है, देख रहे हैं। अलॉय पे भी मारना भैया, अलॉय पे भी है ना? हाँ, ये साफ हो जाएगा ना सारा? ठीक है ठीक। भैया ट्रंक खोल के पानी यहाँ पे भी मारना है, यहाँ पे मिट्टी हो रखा, करोगे ना? बहुत जबरदस्त काम है वॉशिंग का। मैंने पूछा भाई से कि 40-50 गाड़ी धो देते हो, कह रहा है 100 से ऊपर गाड़ियाँ धुलती है। वैसे मैं दिखा देता हूँ रेफरेंस के लिए, अभी कितने खड़ी हैं, 2 जा चुकी है, 2-3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भी आ गई, और मेरे आगे 2-3 गाड़ियाँ जा चुकी हैं। तो भाई ये काम है ज़बरदस्त, 100 गाड़ियाँ कह रहा है धोता हूँ भाई, 100 गाड़ियाँ। भाई कार वॉश हो गई है, पूरा 1 घंटा लग गया, सोचा था आधे घंटे में हो गई, फटाफट टाइम लगा दिया भाई, बड़ी गाड़ी का टाइम लगता ही है। अभी जाते हैं, टिश्यू को पिक करते हैं, और उसके बाद निकलते हैं, कुछ खाते हैं, और सलून भी जाना था एक बार, थोड़ी बियर शियर सेट करा ले। ज़्यादा रेस्टोरेंट्स खुले नहीं थे, तो हम स्टारबक्स ही आ गए हैं खाना खाने। भाई मैंने तो लिया है ये, टिश्यू ने लिया है ये, और 2 कॉफ़ी। भाई कॉफ़ी बढ़िया ठंडी का, मैं यार इसमें आइस मिल जाएगी, और कॉफ़ी के लिए ब्रदर आइस, कॉफ़ी के लिए आइस। हाँ भाई मसाज ले गए, स्टीम लिया है, शावर लिया है, मज़ा आ गया, थकावट उतर गई, जितने भी थकावट थी ना बॉडी में वो तो सारी गायब हो गई है। सामान उठाते हैं, टोपी, चश्मा, फोन और वॉलेट।
लेट्स गो। एकदम रिफ्रेश होके निकला हूँ। हाँ भाई इशू, हाँ जी, टाइम पास हो गया था तेरा बाहर बैठ के? हाँ भाई, शरीर में जो दर्दें थी ना सारी गायब हो गई। स्टीम भी ली है, मज़ा आ गया। कैसे हो गया? 1 घंटा लग गया, 1 घंटे से ज़्यादा मज़ा आ गया। नहीं, 10:15 पे तो मैं घुसा था, 11 सवा घंटा लग गया। पर भाई ऐसा लग रहा नया नया था सब कुछ, कि आज मतलब दोबारा से कहीं ट्रिप पे चल लो। तो भाई सारा सामान पैक कर लिया है, तो तेरे भी बैग से ईशान रखो भैया। ले गया होगा विशाल। तो भाई दूसरी लोकेशन पे जाने की तैयारी। बैंगलोर में हमने लिया है कॉटेजेस, हम वहाँ रुक रहे हैं, वेट कर रहे हैं सामान की। सामान नहीं आया अभी तक, डिग्गी खुली पड़ी है, सामान नहीं आया यार अभी तक। अच्छा, राइट से निकालू। बाकी इस होटल में हमने 3 नाइट स्टे किया है, और इस होटल को हम वैसे रूम्स वगैरह अच्छे हैं, ठीक ठाक प्राइस है, बट सर्विस बहुत बेकार है। खाना भी ठीक था, अच्छा था, बुरा नहीं था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो जैसे ही कोई खाना हम ऑर्डर करते हैं रूम में मंगाते हैं, जैसे रूम सर्विस ऑर्डर करते हैं, कुछ भी डाइनिंग का मंगाते, डाइनिंग का अगर डिनर मंगाया, लंच मंगाया, कुछ भी मंगाया, साथ के साथ बिल पे करना पड़ता है। पहले अपना पर्स ढूंढो, बैग खोलो, पैसे दो और फिर खाना खाओ। और टॉवल भी, ये बहुत बेकार है। सबसे गंदा जो कहीं नहीं होता वो एक चीज़ होती है जो टॉवल है। हाँ, अगर आपने एक बार ले लिया तो दूसरी बार नहीं ले सकते। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, टॉवल भी नहीं देते, टॉवल भी नहीं देते भाई। सामान आ गया। बाकी नेम है इसका सिल्वर सैंड, इसका नाम है सिल्वर सैंड सेरेनिटी, और ये कैंडलम बीच पे है। माय गॉड, ये पायलट चला रहा है, मेरे को विश्वास कम ही होता है दूसरे पायलटों पे, बट देखो मेरे को भी है ना। मगर कोई बात नहीं, पीछे बैठ के थोड़ा आराम करते हैं हम। फर्स्ट टाइम, कोई चक्कर नहीं है। सिस्टम है भाई, विशाल भी है, सिस्टम है। चलो भैया, कहाँ जा रहे हैं भाई? हमें कम ने कौन सा वो करा है, रिजॉर्ट वो कब? बैगटोर में मुस्ताश लग्जरिया। मुस्ताश लग्जरिया, बंद ना से तेरे रोड का याद दिलाऊं क्या? नहीं, याद दिलाऊं क्या? नहीं। ये आज की बैगटोर वाली प्रॉपर्टी, इसका नाम है मुस्ताश होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, एंड आई थिंक इट हैज अ वेरी कूल वाइब टू इट। तो भाई प्रॉपर्टी देख के सबका मूड खराब हो गया, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा शेड प्रॉपर्टी सा हो गया, दिल्ली चलो। मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग चारों तरफ, रूम्स ही रूम्स है, और आसपास कोई बीच भी नहीं है, मार्केट भी नहीं है। तो ऑल दो हमने थोड़े से इसको पेमेंट, पार्शल पेमेंट कर रखी है फॉर 3 डेज। हेलो गाइस, व्हाट्सअप। अब यार मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, हेलो गाइस व्हाट्सअप बीच में यार। हेलो गाइस, पीछे तो देख भाई साहब, बहुत ही मूड ख़राब है। और वी वांट टू गो टू सम डिफरेंट प्लेस, वी कैन नॉट स्टे हियर, लेट्स सी व्हाट वी विल डू। तो भाई प्रॉपर्टी तो किसी को पसंद नहीं आ रही है, और हमने कल 12,000 रुपये एडवांस दे दिए थे। टोटल 48,000 थ्री नाइट्स का हुआ था, 4 रूम, और 12,000 इनके पास जा चुके हैं, और ये रिफंड नहीं कर रहे हैं पैसे, एक पैसा भी रिफंड नहीं कर रहे हैं। कह रहे पैसा रिफंड नहीं होगा, पैसा नहीं मिलेगा। हम्बली बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी समझ नहीं आ रही, इट्स बेकार बेकार बेकार। हाँ, नहीं दे रहे होगा। चेला डुमार टोटली सोल्ड आउट भाई, जिस रूम्स में हम रुके थे ना, जिस होटल में, वो बहुत ही सही था। यहाँ से तो कनेक्टिविटी पास थी, ये थोड़ी वैसी हो जाती है ऑफ बीट ना, पास में कुछ भी नहीं है, ना मार्केट पास है, ना बीच पास है, हर चीज़ के लिए गाड़ी उठाओ फिर जाओ, फ़ायदा क्या है उस चीज़ का। तो भाई रिफंड नहीं हो रहा है, तो यही सोचा है कि आज रुक जाते हैं यहाँ पे, पैसे तो दे ही रखे हैं, बाकी कल देखेंगे क्या करना है। भाई ये अपना रूम है, बाकी भाई तू क्या ड्रोन वगैरह नहीं लेके आया क्या? शूज़ की जरूरत, अच्छा शूज़ की जरूरत तो थी। ड्रोन भाई उसको मेरे को, और चाबी ला रहा हूँ आंटी। यार रूम बंद है, तीसरा नंबर देख ले, तीसरा देख लो, हमारा देख लो ना, एज यू की ब्रो। मैं 3 में रहूँगा। 3 में तो भाई हम, भाई ऐसे मत, क्यों ऐसे कैसे? 3 में हम पे ऑलरेडी रुक। अच्छा ये क्यों, ऐसा रीज़न क्या है 3 में रुकने का? भाई ऐसे रीज़न, 3 लकी नंबर है ब्रो, हमारा नंबर है, 4 आपका है, 3 हमारा नंबर है। भाई ये क्या है कि कैसे शावर दे रखे हैं?
भाई एक हगने का है, दूसरे का है। अरे है नाने का। हाँ मतलब नाने का, टॉयलेट भी कर सकते सुसु। कह रहे हैं हगने का है, दूसरे का है। तो कहीं से कहीं सावर में। तो भाई पहले अच्छा नहीं लग रहा था, मगर कोजी है, रूम्स अच्छे हैं, रह सकते हैं। तो हम एक दिन का और एक्सटेंड कर रहे हैं यहीं पे, आज और कल हम यहीं रुकेंगे। पता नहीं क्यों गंदी वाइब आई थी, लड़के देख लिए थे बहुत सारे ना आते ही, काले पीले साले नहा रहे थे नंगे हो गए, 15 लड़के नहा रहे थे यार पूल में, बहुत ही गंदा लग रहा था देख के। भाई एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया, नहाओगे तुम पेड़ के नीचे, यहाँ दे रखा है शावर भैया छिपकलियाँ आ जाएंगे मेरे को लग रहा है मोटी मोटी। तो भाई हम जा रहे हैं, मेरे को शर्ट खरीदनी है रात को पार्टी के लिए। एक थलासा के पास एक आनंदास करके स्टोर है जहाँ पे एनिमल प्रिंट वाली बहुत अच्छी शर्ट मिलती है, तो वहाँ जा रहे हैं, एक शर्ट खरीदूँगा। क्या हो गया बिड़ू यार, वो शॉप तो खुली नहीं है, बंद हो गई, जहाँ से मेरे को शर्ट्स लेनी थी। ये है भाई वो शर्ट की दुकान, शर्ट लेते हैं, लास्ट टाइम तो ली थी अच्छी थी, ब्यूटीफुल है भाई ये। दिस इज थलासा गाइस। पास्ता आया, एक पास्ते को भेज दिया है सबने। पिज्जा इज हियर, इट इज लुकिंग लाइक अ वाओ। तो भाई पिज्जा खा लिया, पास्ता खा लिया, शर्ट भी मिल गई थी, अब जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट में वापस, और फिर आज करेंगे आराम, पूल चूल में कूदेंगे और शाम को जाएंगे पार्टी में। तो भाई ऊपर रेस्टोरेंट है, वहाँ गए हुए हैं सारे बंदे। ये छत है भैया विशाल का है, यहाँ क्या कर रहा भाई तू, यहाँ क्या कर रहा है? दुआ बेटे हैं और हम क्या कर सकते हैं, वो फायदे सेलर मैन खाना खिला दो यार यहाँ पे क्या खाएगा, कुछ है बढ़िया? चलो ऋषि भैया, रोहित भैया हाय, तो भाई वाटरमेलन जूस क्या खा रहे हो गाइस? फ्राइज भाई, फ्राइज आर नॉट हेल्दी भाई। हमने ऑनलाइन देखा है यहाँ पे लुक सैलून है, तो हम भाई गोवा के अंदर लुक्स पे दाढ़ी सेट करवाएंगे। कितनी दूर रह गया भाई? ओनली 800 मीटर रह गया भाई। 850 मीटर का गंजू से पूछ रहे हैं भाई कितने सेंटीमीटर हो गया बताइए। 600 60,000 हो गया भाई, कैसा था ये? हमें तो नहीं दिख रहा यार कहाँ है वो आगे पहुंच यार। ये तो रहा भाई, धीरे चलाओ, देखिए ये रहा भाई, ये रहा भाई, लुक सलून आ गया भाई, गोवा का लुक। चलो भाई भाई लुक्स पे वेटिंग है भाई, गोवा में 30 से 45 मिनट की वेटिंग है। घुमा घुमा वापस घुमा गाड़ी,
वेटिंग है। फेशियल बार, फेशियल बार है, कोई सैलून वहाँ जाना है 300 मीटर के बाद भाई। इसे वेटिंग में खड़े हैं भाई, पता नहीं कौन वेटिंग, बहुत वेटिंग करा, आधा घंटा पूरा घंटा लगेगा वेटिंग का। पहुंच गए भाई फेशियल बार, स्किन केयर लग रहा है तो। और भाई गोवा में कसीनो की फील लेते हुए ये देखो, नाम बताओ ये इसे नाम क्या है, मुस्टैश कैसीनो में भाई साहब ये देखो, बताओ क्या, बताओ मेरे तुम्हें वो जीता है। नॉर्मल ये देखो भैया, आज पता चलेगा किसका पलड़ा है भारी। तीन पत्ती खेलते हुए और मेरे कलर के चांसेस बढ़ते हुए, मगर मेरे पास है पेयर। तू तो हार गया भाई यीशु, तू तो हार गया, पर मैं तो जीत गया। चार पाँच छः, पैसे कहाँ है ये तो बताओ। तो भाई बाहर चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। वो बंदे तो भाई गाड़ी लेके गए हैं फॉर्च्यूनर, जब से आधे घंटे की बोल के गए थे, दो ढाई घंटे हो गए आए नहीं है भाई। मैं थोड़ा रिलैक्स करता हूँ बाय द पूल भाई। और इशू खोलियो यार, ये हमारा खाना है यार। तो स्टूपिड भी तो इतना है ना भाई, ये छोटे छोटे देख रहे हो तुम प्रॉन्स भाई साहब। चलो ले चलो अंदर भैया, टेबल पे रख दो, यहाँ टेबल पे रख दो भैया, अरे यहाँ सही रहेगा ना खाना, क्या रखो भैया, हाइट भी है। तो भाई सीन ये बनाया, हम जा रहे थलासा अभी रात को, और अभी कोई रेडी होके राजी नहीं है। 9 बजे पार्टी शुरू होगी, देखो कैसे सुस्त हो रखे हैं बंदे। बाकी अभी टाइम हुआ है 8:10, जाएंगे आराम से 9 बजे के आसपास। नहीं पता मैंने नहीं चलाई थी, अरे स्कॉडा की चाबी घुमा दी है इन्होंने। अरे चाबी दो, तुम ही तो आया आखिरी में, पेट पे रखी थी लाके जब गाड़ी खड़ी करी थी भाई। मैंने कब कर दी भाई, गाड़ी की चाबी घुमा दी है अब गाड़ी कौन खड़ी भाई, दूसरी चाबी कहा भाई, जज्जर है क्या भाई, जज्जर जाना पड़ेगा फॉर्च्यूनर ले गए और फिर वापसी आनी पड़ेगी चाबी लेके। मैंने नहीं देखा ना, मैंने ध्यान दिया इसने कहाँ चाबी रखी, इट वाज ऑल योर फॉल्ट, तुम दोनों बंदे गए थे तो तुम्हें पता होना चाहिए था चाबी कहाँ है। हमारे रूम में तो नहीं है, देख ओए हमारे रूम में टेबल पे तो नहीं रखी। रेडी हो गया हूँ, कैसा लग रहा हूँ आज पार्टी के लिए, नई शर्ट खरीदी है जैसे कि बताया था गोवा से, सेक्सी लग रही है, अच्छी तो लग रही है, अच्छी लग रही है। हाँ पूरा आउटफिट दिखाता हूँ, यस ओए गिर मत जाइयो, हाँ बढ़िया लग रही है, थैंक यू, लेट्स गो टू द पार्टी। यस इशू भैया तेरे को भी दिखाता हूँ, हाय कैसा लग रहा हूँ, ब्लैक मैजिक अपना भाई शानदार लग रहा है, एक नंबर। चलो आजा 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 आजा, रिश्तों के भी रूप बदलते सांस भी कभी बहुती। और भाई योको ब्रो, योको तो आज रंग बिरंगा हो रहा है, कती दिल्ली से लेके आना चाहिए था ना आपको, काउंटर वाली जोर जोर से दिल्ली भाई हो गए रेडी, ये सबसे लेट रेडी होता है भाई, हर चीज में लेट करता है, ये नाम है इसका विशाल। चलो भाई चलो 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 भाई खड़े हो जाओ, चलो चल भाई नीटू आ जा भाई, भीड़ हो रखी है थलस्सा के आगे तो भाई, फॉर्च्यूनर के आगे कोई भीड़ नहीं है। देखो भैया पहुंच गए, दिख नहीं रहा, आ गया फोकस में भाई, भीड़ देखो कितनी हो रखी है, एंट्री भाई भाई 50,000 रुपये की टेबल ली है हमने, जिसमें हमें फ्रंट रो मिलेगी बिल्कुल बैठने के लिए, स्लिप है
happy birthday to Priya, darling. Priya, welcome to Thalassa. All right, Thalassa, I see a lot of ladies behind there requesting the ladies to please come closer. Gentlemen, give some space to the ladies. Yes, we got to pass you the special offer, please, all right? Requesting, please do not pick up the plates from the table, all right? These are not the regular plates. We will be passing you while the performance is going on. Do not smash it while the artists are performing. Hold on to the plates till the end. We're going to all smash it together in the end. All right, Thalassa, you guys ready? Presenting the Zorba by Team Thalassa, featuring Alina, Yulia, Tarmesh, and Pankaj. Once again, Thalassa, say Opa! Once again, Thalassa!
to go to sleep when I got you after me. Ladies and gentlemen, you want to follow me? भाई पार्टी कर ली फुल पावर बोले तो अपने घर चल लो देख लो बहुत टाइम हो लिया क्या बात पैसे निकल रहे हैं पक्का उसको बेचारा बाबू बैठा हुआ वापस शिवम तो आप शिवम शिवम भाई ऐसा है जल्दी चलो भी तो आएगी एक मंगवाई नहीं दोनों तो ये देखो तेरे को किसने दिया गुलाब का फूल यो एक भाई मिलने था ते विशाल भाई का उस तो रोड़ा हो गया था तो वो मेरे तो बात कर रहा था कुनाल शराब है बवाने का फिर ना बवाने का ना किसी और काम का तो बोला कि भाई तो समझा दे यो तेरे ते भाईचारे में गुलाब भाई काल चल लेंगे आराम बोल आज हो लिए 2 बज गए 2 बज लिए भाई जमा हाँ तो कल चलेंगे आरम बोल यहाँ से है 18 किलोमीटर 40 मिनट दूर 15 मिनट में ला जाए गाड़ी ठीक है हाँ जी हाँ जी भाई साहब पीयूष साहब हाँ जी कल आरम बोल चल रहे हैं मैंडेटरी है जरूरी वो क्या आ रहा है उड़े बात डाल के ना तात्पर्य है हाँ तात्पर्य है मतलब तात्पर्य व्हाट इज तात्पर्य इंस्टेंट मैटर इंस्टेंट जरूरी जल्दी मैटर जमा मैं कुमार एक वीडियो और बनाते हैं हाँ जी हरियाणा में बोलेगा मैं हिंदी में बोलूंगा इंग्लिश में आप बोलो ना बन रही है वीडियो मल्टीलिंग्विस्टिक कन्वर्जन स्टार्ट विद अगेन हो गया आराम बोल का ठीक है कल जाएंगे आराम से आराम बोल 15 मिनट में कह रहे हैं भाई साहब तो पहुंचते हैं आजा आई थिंक वी गोना डू दैट एंड ऑल वी गाइस आर गोना ड्राइव इन स्पोर्ट्स मोड सो या डेफिनेटली इट्स गोना बी इन 15 और 12 मिनट्स तावले तक ये पकड़ गुड नाइट गुड नाइट लेट्स गो टू स्लीप भाई आज का व्लॉग खत्म करते हैं एंड बाय एंड सब्सक्राइब कर लेना प्लीज गाइस गुड नाइट